मैं सादी भाषा में कहना चाहूँगा कि कोई भी परिवार अपने घर के बर्तन और गहने बेच करके कितने दिन गुजारा करेगा। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसको एक एक करके बेच रही है। नमस्कार, मैं अजय भाई, यो वो भारत देश है जिसकी कसम पूरा विश्व खाव है कि भारत देश वर्गा कोई देश से कोनी, जिसकी सभ्यता, जिसकी सरकार, जिसका लोकतंत्र सब कुछ मजबूत है। यानी इस देश को एक सूत्र के अंदर बांध के रखा हुआ 130 करोड़ लोगों को उस लोकतंत्र ने, लेकिन दुर्भाग्य है उस देश का लोकतंत्र के रूप में आज देश की अर्थव्यवस्था रोड पर आके बैठ गई। अब यह अर्थव्यवस्था रोड पर आई तो आई कुकर, और किसके लिए आई पता है कौन ही, लेकिन इनको पता है कि ये अर्थव्यवस्था आज उनकी लड़ाई लड़ेगी जो आज कहीं ना कहीं आम आदमी है और लोकतंत्र का हिस्सा है। ये SBI व अन्य बैंकों के कर्मचारी ग्रुप में व यूनियन ग्रुप में आज एकत्रित इकट्ठे हो गए, हड़ताल कर दी, क्योंकि अब जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा आराम आराम से, धीरे धीरे उस लोहे को काटा जा रहा, जिस तरह से रेलवे की बात चल रही, आपकी BSNL की बात चल रही, आपकी डाकखाना विभाग की बात चल रही, और अन्य अलग अलग संस्थाएं हैं जो आज कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाई जाने लग रही है। तो एक साल से किसानों ने संघर्ष किया तो उनको जीत मिली और सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और फिर से आज बैंक कर्मियों के रूप में, बैंक कर्मचारियों के रूप में, यूनियनों के रूप में आज देश की अर्थव्यवस्था रोड पे आके बैठ गई। अब बैठी है तो खड़े हैं, दाएं बाएं कर्मचारी हैं, यूनियन के प्रधान हैं, कौन है अब बुझूंगा। अब आम आदमी आए हैं चल उठा के बुझूंगा, बैंक माए से क्या माए थे, नमस्ते बैंक माए थे गई हाँ। देख ले तो हो गया नुकसान, कितना भाड़ा लग गया, 40 का लग गया 80 का नुकसान हो गया हाँ। और बैंक तो हड़ताल में बैठे है, क्यों बैठे के रखी, कोई रखी अग्रिम मानसन जो थारी लड़ाई लड़ेगा बैंक कर्मचारी, अच्छा ये थारी लड़ाई लड़ा है, आशीर्वाद बैठा था हम जीतियो, अच्छा हमारी लड़ाई लड़ो हो, अच्छा है बैंक कब खुलेंगे सर, बैंक कब खुलेंगे, शनिवार को, अब बैंक खुलेंगे शनिवार न, उस दिन आइयो के काम आए थे, रुपये कटवा लागी फिर से लागी के चलो। तो एक तरफ यूनियन के रूम में और एक तरफ कर्मचारी रूम में आज तन मन धन और जो खा के आए थे गर्तन नाश्ते रूम में आज वो आर्डर लगाने लग रहे हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था है, दिखावे नहीं है तो दिखा किसने का। ये तो आम आदमी ग्रुप में है, कर्मचारी ग्रुप में है, इनसे पूछूंगा कि सर बैंक कर्मचारी भी हड़ताल करते हैं क्या, क्योंकि आपका काम तो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो कुछ जमा करवा दें कुछ कटवा दें, और आज आप रोड बैठे हो और लोग धक्के खा हुए हैं कि हम कुकर करें करा। नमस्कार, नमस्कार जी सर, खुल के बताएं आज बैंकों ग्रुप में अर्थव्यवस्था रोड पर आके कुकर बैठ गई। सर रोड पे आना हमारी मजबूरी थी जी, सरकार अभी नया विधेयक लेकर आ रही है जिसमें बैंकों को प्राइवेट करना आसान हो जाएगा जी, और बैंक अगर प्राइवेट हो गए तो एक बात मान के चलो कि आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, जो फैसिलिटीज़ सरकारी बैंक दे पाते हैं और जो जितने मिनिमम चार्जेस में हम दे पाते हैं वो फैसिलिटीज़ प्राइवेट बैंक नहीं दे पाएंगे। आम गरीब को, किसान को, मजदूर को जो लोन जिस दर पे, जिस रेट पे हम देते हैं या जितनी इजीली हम दे सकते हैं उतना कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे पाएगा। ये आम जनता की आवाज़ है सर, बैंकर की सर, ये मंशा क्या है सरकार की, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया हो, अखबार हो, पढ़ने को मिल रहा है कि हर कोई प्राइवेट किया जा रहा, संस्था हो, कोई डिपार्टमेंट हो। सरकार की मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाया जाए, कहीं से भी जुटाया जाए,
सरकार पैसा किसके लिए जुटाती है? सर जुटाती तो जनता के लिए ही है, लेकिन कुछ जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज करने में सरकार को नुकसान है, आम जनता को नुकसान है। देखिए साहब, जो सरकार के पास बैठे हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बड़े बड़े CA हैं, एडवोकेट पता नहीं के हैं, लेकिन आज वो क्यों और बताए हैं और आप लोग क्यों और बयां करने लग रहे रोड पर बैठ के? इसका एक मेन कारण ये है कि वो लोग धरातल से नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो AC कमरों में बैठकर अपनी व्यवस्थाएं सरकार को पहुंचा रहे हैं। जब तक धरातल पे उतरेंगे, आम आदमी की परेशानी को नहीं समझेंगे, तब तक उन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी। जिस तरह से सरकार बैंकों को बेच रही है, आम आदमी की पहुँच से दूर कर रही है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज एक सरकारी बैंक 10 रुपये में खाता खोलता है। अच्छा जी। ये जो व्यवस्था है प्राइवेट बैंकों में नहीं है। प्राइवेट बैंक वाले कम से कम 10,000 रुपये 15,000 रुपये में खाता खोल रही है, जो कि आम आदमी की पहुँच से बाहर है। आम आदमी सिर्फ उनके द्वार के दूर से ही दर्शन कर लेता है और सरकारी बैंक में आता है। सरकारी बैंक जो है कि आम आदमी की धरातल से जुड़ा हुआ है, आम आदमी की नीतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आज हमारा भी मकसद है, हम अपने लिए हड़ताल न करके आम आदमी के लिए कर रहे हैं। सर, जनधन खाते खोलने हो, कोई और सुरक्षा स्कीम है सरकार की, कोई और बड़ा चला के दिखानी हो स्कीम लोगों तक पहुँचानी हो, तो सरकारी बैंक के आधाव है और आज उन्हीं सरकारी को बैंकों को कहीं ना कहीं पता नहीं के साबित कर दिया जा रहा है। कोरोना के टाइम में बैंकों ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था सर। सबसे ज़्यादा ये जो सरकारी बैंक थे, इन्हीं लोगों ने पूरे देश के अंदर में भार था, पूरा कंधों पे भार था। और हमारे कई साथी लोग कोरोना के टाइम में भगवान को प्यारे हुए हैं और उनके परिवार को आज देखने वाला कौन है। लेकिन सर, आज भी हम काम कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ वैसे कोई मुद्दा नहीं है, बट हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो लड़ाई है, ये गरीबों के हक की लड़ाई है, गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों की लड़ाई है, जिनके पास में पैसे खातों में रखने के लिए पैसा नहीं है, उनके स्टूडेंट खाते हैं, जनधन के खाते हैं, सुरक्षा बीमा के खाते हैं, जिनको आज हम सभी लोग एक अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, ये सब प्राइवेट बैंकों में सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी। इसी के लिए हमारा आज ये मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस सबको रोका जाए। इस सर मान सकते आपका पढ़ा लिखा तकबा है, तो जो ये देश है तो लोकतंत्र है, लेकिन तमाशा इसी बात हो रही, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे किसी PTI के धरने की बात हो, चाहे और संस्था की बात हो, आज जो है वो धरने पे ही है। क्या मानते हैं देश सर, ऐसा हो रहा है या फिर क्या? देखिए सर, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम अपने जो जायज़ मुद्दे हैं, उन जायज़ मुद्दों को जायज़ तरीके से हम कोशिश करते हैं। आज बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों की सैलरी कटती है और उसके बाद लोग बेचारे आज धरने पर बैठने पर मजबूर इसलिए हैं कि उनके लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो आज लोगों के जो सभी लोगों को जो सुविधाएं मिलनी है, उन लोगों से वंचित हो जाएंगे। सारे देश में प्राइवेटाइजेशन रहेगा तो फिर किसी के लिए किसी तरह की भी सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी। सर, अब सीनियर हैं, उम्रदराज हैं, जानते हैं, समझते हैं, निकले हुए हैं, तो सर इससे जो फायदा होगा, वो फायदा होगा किसको? सरकार तो आम आदमी के लिए काम करती है, लेकिन फायदा किसको होगा सर? ये तो बिजनेसमैन ने फायदा लागे सर। अच्छा। और आम आदमी तो तंगड़ाया जाएगा अगर इस तरह ही रहेगी तो हमेशा गरीब जनता बहुत है भारत में, उनकी भी सोच के चलनी चाहिए। तो मेरे विचार में जो प्राइवेट करते जा रहे हैं हर चीज़ ने, कहीं तो इस पर ब्रेक लगना चाहिए। सर, ये कैसी सरकार है, कैसी सरकार की मंशा है जो आम आदमी की न सोचते हुए अपने सिर्फ अपने हितों की, अपने टूरों की, अपने बस जहाँ जहाँ पे जुड़ मोदी जी का सीमित है और 51 कैमरे 50 कैमरे उन्हें फोकस करने थे, तो आज यो आंदोलन किसी कैमरे में दिखेगा? उन कैमरा में तो कौन दिखेगा जी, आप वर्गे जो महानुभाव से थोड़ा पब्लिक की दिक्कतें समझ रहे हैं वह करेंगे जी, और वो आप कर रहे हो। हाँ, और अगर मान लिया सब कुछ प्राइवेट कर देंगी तो ये सरकार क्या करेगी? इन चुनका हम क्या खातर भेजा? तो सर, गरीब अमीर कौन रहेगा, दबाव क्या रहेगा, सरकार कहाँ दिखेगी, फिर तो सर आंधा खत्म हो जाएगा। भाई आंधा तो दिखे सर जी, मेरी ख्याल मीडियम मैन से न वो भी धीरे धीरे गरीबी। क्या इसी दिन के लिए देश को आज़ाद कराया था आप जैसे महापुरुषों ने, आप जैसे शहीदों ने, या आपके परिवार में शहीद हुए उन्होंने, क्या इसी दिन के लिए देश आज़ाद कराया था कि उल्टा गुलाम हो जाएगा? ये तो सोचा है कौन था जी, अगर हमारा देश आज़ाद भी हो जाए और अंग्रेज की तरह थोड़ा थोड़ा चलता रहे ना, अपना भारत की तरह चलाओ
और भारत की गरीबी आने उठाओ और कर्मचारियों की भी और बैंक की भी या किसी भी डिपार्टमेंट की तो प्राइवेट ना करो। मान सकते हैं सरकार की मंशा है कि उद्योगपतियों को पूरा देश बेच दिया जावे, आ जाना कर देखो जी, आ जाना। हाँ बिल्कुल सर, अब सरकार की मंशा तो यही लग रही है, जिस तरह से कर्मचारी आम वर्ग महंगाई के कारण दुखी है और उनकी नीतियों से दुखी है, तो यही लग रहा है कि क्या सरकार पूंजीपतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, आम आदमियों की तरफ कम है। चलो और अब नूनी है कि देश हाथ पर अलग है, देश उनका भी है जो आज अपने लिए अपने लोगों के लिए आज कहीं ना कहीं मांग कर रहे। अब वाइस चेयरमैन साहब से बात करूंगा कि सर ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था आज रोड पर क्यों आ गई। ये रोड पर इसलिए आ गई कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक विनाशकारी और एंटी पब्लिक पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें क्या है सरकार क्या कर रही है, अपने एसेट्स तो खड़े नहीं कर रही, जो एसेट्स पूर्ववर्ती सरकारों ने 70 साल के दौरान खड़े किए थे उनको बेच रही है। मैं सादी भाषा में कहना चाहूँगा कि कोई भी परिवार अपने घर के बर्तन और गहने बेच करके कितने दिन गुजारा करेगा। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है उसको एक एक करके बेच रही है और उससे अपने घी खा रही है। सर इन्होंने कोई भी पब्लिक सेक्टर की एक भी कंपनी खड़ी नहीं की है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ का मुनाफा देती हैं केंद्र सरकार को, जिसका पैसा देश की प्रगति में लगना चाहिए उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। तो अब सरकारी बैंक कितने दिनों की हड़ताल करेंगे, क्या इससे सेंट्रल सरकार जग पाएगी या वो विधायक को रोक दिया जाएगा। अभी ऐसा है पिछले साल भी 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी तो सरकार ने अगले ही दिन उसी दिन शाम को बल्कि सेकंड डे वाली स्ट्राइक को के दिन स्टेटमेंट दी थी कि हम बैंकों का प्राइवेट नहीं करेंगे। अच्छा जी। अब 2 दिन की स्ट्राइक है, पीछे हमने इनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए हमारी जो UFBU है जिसमें बैंकों की सभी यूनियन शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने फौरन ये कहा था कि हम इनका निजीकरण नहीं करेंगे। अब दोबारा से फिर सरकार उसी लाइन पे चल रही है, तो ये 2 दिन की स्ट्राइक है हमारी। अगर केंद्र सरकार को होश आ गया ठीक है, नहीं होश लेने के लिए लंबा प्रोग्राम भी चल सकता है। अभी आज की बात के 2 दिन की बात के जाए हाँ। तो देश के अंदर अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ी है और कितना आज ठहराव आ चुका 2 दिन की हड़ताल से। देश में तो पूरा देश का फिगर तो नहीं है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की आपको बता सकता हूँ, लगभग 2 दिन में 1000 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। 1000 करोड़ का? 1000 करोड़ का 2 दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। आप ये मानो 500 करोड़ की एवरेज लगाओ भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा तो कितने 22 डिस्ट्रिक्ट है तो उसका, और फिर ऑल इंडिया का लेवल का देखो आप, आज टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री ठप है बिल्कुल, और जब भी स्ट्राइक होगी ठप रहेगी। तो जी कभी किसान रोड पे, कभी कोई मास्टर रोड पे, कभी कोई संस्था रोड पे, कभी कोई संस्था रोड पे, आज बैंक कर्मी रोड पे, आज देश की अर्थव्यवस्था रोड पे आ गई। हाँ बिल्कुल आ रही है, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं वो रोजगार परक नहीं है, रोजगार छीनने वाली नीतियां हैं। अच्छा देखो आप देखोगे कितने पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट कर रही है, सरकारी महकमों को बंद कर रही है, और जो रिटायर हो रहे हैं उनके जगह बच्चों को रोजगार नहीं दे रही। प्रधान जी पट्टी तो उतरी, लेट उतरी, किसान लगी भी 1 साल में तारी है सरकार ने। तारी तो उतर जाएगी और भी उतर जाएगी, कोई बात को नहीं। हाँ उतरेगी, डेफिनेटली उतरेगी हमारा, क्योंकि उतरेगी क्योंकि देश का लोकतंत्र जा गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आम पब्लिक के साथ लेकर के हम ये एजिटेशन करेंगे। तो ये व्यवस्था है, अब कर्मचारी ग्रुप में व अधिकारी ग्रुप में और बैंक कर्मियों ग्रुप में आज देश का लोकतंत्र जाग गया और रोड को ऊपर नारे लगाने लग गया कि आगे आओ आम हाँ, अब आम हाँ या नहीं है क्या पता। अब ये भी ऐसे ही हड़तालें होती रहेंगी या किस प्रकार से देश के अंदर काम किया जाएगा, लेकिन ये है कि वास्तविकता में आज देश की अर्थव्यवस्था रोड पर देखो, और ये घंटाघर है और यहाँ पर आज बैंक कर्मियों में नारे लग रहे। देश की अर्थव्यवस्था रोड पर आगे बैठेगी,
सर हम अपने मजबूरी से बैठे हैं, जब सरकार मनमानी कर रही है तो हम क्या करें बताओ। हमें अपनी सैलरी कटवा करके अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं बैठे। तो कदे किसान रोड पाजे है, कदे कोई रोड पाजे है, कदे कोई रोड पाजा, ये रोड पे चल या लोकतंत्र बच्चे भी कहा। सर ये निकम्मी सरकार है, मनमानी कर रही है, तानाशाही सरकार है, ये आगे नहीं चलेगी। इस सरकार का नाश होने पर कागार के ऊपर है सरकार, आगे भविष्य में लोग इसको नहीं वोट देंगे, खत्म है एकदम बिल्कुल सर। मोदी जी काशी से ना के आवे आप लोग खत्म है। ये भी बहुत बड़ा पाखंडी है, जो ऐसे ये कहाँ कहाँ जाए जाके नए नए पैतरे से लोगों को बेकूफ बनाता है, बहलाता है, बहुत तरीके से लोगों को बहका देता है। अब वो चश्मा उतर गया, अभी लोगों का चश्मा उतर रहा है। अच्छा। उतरने लग रहा है, कुछ और उतर जाएगा आगे तक। किसानों ने उतार दिया इस पब्लिक का, और आगे और उतर जाएगा, और उतर जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो ये बैंक कर्मी है, हड़ताल है, सब काम है, और लोग अंदर अंदर ये बना मांगे रख रहे हैं कि हम आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। JNC न्यूज से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट।